हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, धूप बहुत तेज़ हो रही है, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और हम ना पहले ही सूखे सूखे थोड़े कपड़े हैं ना जो मैंने कल लिए, तो गीले हैं थोड़े, तो इन्हें हम साइड में रख लेते हैं और मैं जाऊँगी मंदिर। तो अभी तो हम चलेंगे मंदिर, ठीक है? मैं सोच रही हूँ मेरा ना इतना काम थोड़ा कम हो जाएगा, मंदिर के लिए निकलूँगी मैं अभी। बच्चे चले गए स्कूल के लिए, पति देव का लंच रखा है और पति देव का हम बैग रख देते हैं, ये क्योंकि अपने हिसाब से रखेंगे कैसे कैसे रखा जाएगा। और तीनों बच्चे गए हैं स्कूल, तीनों बच्चे स्कूल गए हैं, बैठ जाते हैं पहले तो हम। अच्छा, एक लाइट ऑफ है इसलिए अंधेरा है। तो तीनों बच्चे स्कूल गए हैं और सभी काम मेरा पूरा काम हो गया, जैसे कि जल्दी हो जाता है, जल्दी उठती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस दिन जल्दी हो जाता है। और जिस दिन छुट्टी रहती है बच्चों की, उस दिन थोड़ा लेट मैं फ्री हो पाती हूँ काम से। तो बच्चे स्कूल चले गए। आज मैंने बच्चों के लिए बनाया था, पीले वाले चावल बनाए थे, और क्योंकि तीनों गर्मी बहुत थी, कल ही मुझे शाम को बोल दिया था कि मम्मी यहाँ मैं ना कल पीले वाले चावल बनाना, क्योंकि कल ना शाम को वो बनाए थे ना पाव भाजी, तो आज बच्चों का मन था कि हम ना पीले वाले चावल लेकर के जाएं, आलू वगैरह सब कुछ डाल करके, मतलब तो जो वेजिटेबल मेरे पास अवेलेबल थी ना वही मैंने उसमें ऐड कर दिए, ऐसे आलू वगैरह। आज प्याज नहीं डाली है, मैं आज मेरा फास्ट है इस वजह से, बाकी का सब कुछ डाल दिया है। बाकी का क्या, मटर वगैरह कुछ है नहीं है, गोभी वगैरह आजकल ये सब्जियाँ तो ख़राब आ रही हैं, तो इस वजह से तो बस वही आलू वगैरह, टमाटर और मटर भी नहीं है, वो थोड़ी सी लाए थे। तो पता नहीं था ना कि बच्चे कल सुबह चावल बनवाएंगे स्कूल के लिए, इस वजह से रात को मुझे बोला था 9-10 बजे कि मम्मी हमें कल है ना चावल बना करके रखना, वैसे जैसे आप हमें बनाते हो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे पता है उसके साथ में ज़्यादा पसंद करते हैं मैंगो पिकल, आम का अचार जो होता है ना उसके साथ में बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने ना तीनों बच्चों को चावल रख दिए हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा आम का थोड़ा एक एक पीस रख दिया है, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, क्योंकि घर पर भी वो इस तरीके से खाते, बिना अचार के तो वो टेस्ट अच्छे नहीं लगते हैं। तो बच्चे हैं ना वो लेकर के गए हैं आज, और काम मेरा सुबह हो ही गया। अब मैं जाऊंगी मंदिर, मंदिर से आने के बाद मैं बस थोड़ा कॉफ़ी वगैरह लेती हूँ, देखती हूँ, और चाय बनाती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, देखती हूँ। अभी तो गर्मी है, चाय का तो पता है मुझे 5-6 दिन हो गए मन नहीं करा है मैंने, मतलब पी ही नहीं है चाय, तो देखते हैं अब मन करेगा तो कॉफ़ी बनाऊँगी, नहीं चाय तो बनाऊँगी नहीं। और मुझे जाना है आज मकान पर, 2-3 दिन तो हो ही गए हैं मुझे, तो आज मकान पर भी जाना है, पर गर्मी की वजह से पता है हिम्मत नहीं होती है जाने की, ठीक है। और मुझे अभी पता है कपड़े, ये जो कपड़े रखे हैं धुले हुए, ये मुझे धूप भी लगानी है इनमें। और अभी है ना पतिदेव की वर्दी वगैरह है, एक और है प्राइवेट कपड़े हैं, बच्चों के कुछ कपड़े हैं जो उतार करके गए हैं, क्योंकि मुझे मशीन लगानी पड़ेगी जो प्राइवेट कपड़े हैं, और पतिदेव की जो यूनिफॉर्म है ना वर्दी जो है उसके लिए मुझे मशीन लगानी पड़ेगी। तो सोच रही हूँ बच्चे हैं ना अब नहा करके उतार करके गए हैं ना, गंदे कपड़े पसीनों के हो जाते हैं, तो वो भी मैं वॉश कर दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले मकान से हो जाती हूँ, उसके बाद में ना मैं कपड़ों में भी धूप लगा दूँगी और मशीन भी लगा लूँगी, तो आज उससे भी फ्री हो जाती हूँ मैं। कल भी मशीन लगाई थी, सॉरी कल नहीं परसों, नहीं नहीं सॉरी कल लगाई थी मशीन, कल भी मशीन लगाई थी और फिर आज भी लगाऊंगी, वर्दी की वजह से इनकी वर्दी है। तो चलिए हम ना मंदिर के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि पति देव गए हैं अपने डॉगियों को घुमाने के लिए। हमारा छोटा वाला डॉगी है ना अभी आए नहीं है, ये ना सबसे पहले ये सोचता है छोटा वाला डॉगी कि नहीं मुझे ही लेकर के जाए, मेरे मालिक सिम्बा को नहीं लेकर के जाए घुमाने के लिए, इतना नालायक हो गया है। यही यार ये रुद्र के साथ में करता है और किसी को नहीं निकलने देता, और भी जो डॉगी है जैसे जॉनी है सिम्बा है किसी को नहीं निकलने देगा, सबसे पहले आगे भाग जाएगा। चलिए हम मंदिर चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं अपने सभी कामों से फ्री होने के बाद मैं आई थी मंदिर, बच्चे स्कूल गए हैं और
मंदिर में आकर के देखा ना, तो बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। पूरा मंदिर जो है ना फूलों से महक रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जो मैंने ना थोड़ा बहुत वीडियो बनाया है, और ये है ना आज, मतलब आज तो मैं सुबह आई हूँ, मतलब कल यानी कि कल शाम को है ना मंदिर में उत्सव था, बंगला मुखी उत्सव बोलते हैं। और यहाँ है ना मंदिर के पट खुल गए थे द्वारकाधीश महाराज के, तो दर्शन करने के बाद में मैं जाऊँगी घर। देखिए अभी मैं मंदिर से आई हूँ और हालत कितनी ख़राब हो रही है पसीना से। उसके बाद में हम जाएंगे मकान पर, हम वहाँ देखते हैं चल के। थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, 9:30, 9:30 या 10 बजे तक निकल जाऊँगी, गर्मी हो रही है बहुत। और अभी आपने देखा था मंदिर में ना कितना अच्छा डेकोरेशन हो रहा था कल, है ना, फूल बंगले का वो था कल महोत्सव, कुछ प्रोग्राम था मंदिर में जो कि शाम को था, मैं नहीं जा पाती हूँ। और अब जैसे सावन लग जाएंगे ना, तब सोच रही हूँ ना शाम को भी, ज़्यादा नहीं हफ्ते में 2 बार तो जाया करूँगी। और आप में से भी किसी को अगर द्वारकाधीश महाराज के शाम के दर्शन करने हैं जो कि इससे भी ज़्यादा बहुत सुंदर होते हैं, तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको भी शाम के द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करवाऊंगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को शाम के टाइम के द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने, ठीक है। और फिलहाल मैं तो बता, जैसे मैं मंदिर में घुसी थी ना, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, कसम से बहुत अच्छा लग रहा था। शांति सी मिल रही थी, ऐसा लग रहा मैं इधर ही बैठ जाऊँ बस थोड़ा। फिर तभी मैं 5-10 मिनट, थोड़ा 5 मिनट रुक करके ही आई थी। और चलिए तो मैं अभी कुछ नहीं पीऊँगी, बस थोड़ा पानी पीऊँगी एक गिलास, ना कॉफ़ी ना चाय वगैरह कुछ भी नहीं, बस मैं है ना एक गिलास पानी पीऊँगी, मुझे पानी की ज़रूरत है। अभी है ना मैंने कपड़े डाले हैं थोड़ा धूप लगाने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल मैं जितने डाले हैं ना उनमें धूप लग जाए, क्योंकि उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी मकान पर। इस मंदिर से आने के बाद में थोड़ी देर आराम किया था, उसके बाद में मैं निकल गई थी मकान के लिए, वहाँ जाना था मुझे। हम आ गए मकान से, मैं मकान से आई हूँ अभी, बस 2 मिनट हुए हैं, क्योंकि धूप, कपड़े तो धुल लिए थे मैंने आपको सुबह बताया था कि मुझे मशीन लगानी है, क्योंकि पति देव के पैंट शर्ट है और बच्चों के हैं वो जो उतार कर गए थे, और यूनिफॉर्म है वर्दी है उनकी, क्योंकि धूप निकल रही है कि बहुत तेज़ धूप है। मैंने सोचा शाम तक पता नहीं मौसम कैसा हो जाए, तो इससे अच्छा तो यह कि धुल करके प्रेस करके रख जाएगी, देखना अंदर आई हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है। पर अभी रुद्र भी, गोलू और वो रक्षित आने वाले हैं, और अभी अब फिलहाल मैं तो अब रुद्र गोलू आने वाला है, फिर 1:30 बजे रक्षित आएगा। तो मैं सोच रही हूँ, मैं ना सूट में पसीनों में हो गया है पूरा, ये वाला सूट ये मैंने खुद ही सिला था, तो अभी है ना पसीनों में हो गया ये वाला सूट, तो मैं ऐसे तो नहीं रखूँगी, धुल करके प्रेस करके रखूँगी इसे। तो मैं सोच रही हूँ ना गोलू से पूछती हूँ, रक्षित को ले आएगा, तो फिर मैं अपना नाइट सूट ही डालूँगी, वही कुर्ते पजामे डालूँगी। पसीने इतने आ रहे हैं, बहुत पसीने आ रहे हैं, प्यास लग रही है, मैंने पानी नहीं पिया सबसे पहले, बताया मैंने मशीन ही लगाई है आ करके। और आज ना वॉशिंग मशीन का भी कवर धुलूँगी, क्योंकि ये थोड़ा गंदा सा हो गया था इस वजह से, और ये बेड शीट भी है, जिससे कि ये वाली इसे मशीन के ऊपर डाल के रखती हूँ हर समय में, जिससे कि ऊपर का मतलब कि जो वॉशिंग मशीन का कवर है ना ये गंदा ना हो। गंदा मतलब ये कहाँ से हुआ है, जैसे साइडों से है ना, उस दिन बच्चों से दाल फैल गई थी, तो वो साइडों से है ना दाल में हो रहा है, बाकी का ये है कि वैसे तो ऊपर से तो ढका हुआ रहता है तो ठीक है, पर साइडों में दाल का हो रहा है इस वजह से, तो मैंने सोचा इसे भी मैं ना वॉश कर दूँगी। वही फ़िलहाल में पीते हैं पानी, क्योंकि मुझे लग रही है प्यास, पानी नहीं पिया ना कर। चलिए तो है ना मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, आप खुद ही देख सकते हैं मुझे कितने पसीने आ रहे हैं। चलिए तो हम बाद में बात करते हैं आपसे। और उसके बाद में है ना मकान से वापस आई थी, तो मैंने मशीन लगा दी थी, और वो कपड़े मैंने धुल करके डाल दिए थे सुखाने के लिए,
और ये कपड़े जो मैं तय करके रख रही हूँ ना, वो सभी के अलग अलग रख रही हूँ कि जिससे कि जिसके कपड़े जैसे रखे जाते हैं मैं उस तरीके से इन्हें रख दूँ, तो इसलिए सबके अलग अलग तय। पतीदेव आ चुके हैं, खाना पीना हमारा हो गया है। अच्छा कॉफ़ी पी ले, ठीक है। ये बर्तन भी साफ करके रखेंगे। बच्चों ने कॉफ़ी पी ली है, कॉफ़ी बनाई थी बच्चों ने, कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, मैंने नहीं पी, मेरा मन नहीं था। और सुबह के लिए सब्जी मैंने काट के रखी है, भिंडी, सुबह भिंडी बनाऊंगी। क्योंकि पता है मार्केट में है ना सब्जियाँ, एक भिंडी, तोरी, काशीफल और लौकी, इनके अलावा कोई सब्जी ठीक नहीं आ रही है। पालक है, उनमें कीड़े आते हैं, पानी पानी आता है उसमें, एकदम बहुत लुजुन सा आ रहा है पालक। गोभी है, उसमें भी कीड़े आते हैं, है ना। शिमला मिर्च है, उसमें भी, मतलब बहुत सी सब्जी तो ऐसी है ना उसमें जो स्मेल आ रही है। तो मैं ना ज़्यादातर सब्जियाँ ना कम ही मंगाती हूँ। वैसे जैसे उस दिन लौकी लेकर आए थे, तोरी ले आए थे, फिर आज भिंडी लेकर के आए हैं, कल पाव भाजी बना दी थी बच्चों को। तो इस तरीके से है ना सब्जी मैं मंगा लेती हूँ। और वैसे कभी दाल, कभी राजमा चावल, छोले चावल, इस तरीके से मैं बनाती हूँ। क्योंकि सब्जियाँ ना इस टाइम पर ऐसी आ रही हैं कि उसमें से है ना बहुत गंदी वाली स्मेल आ रही है। जैसे सब्जियाँ नहीं, पानी सड़ा हुआ रहता है, उस तरीके की स्मेल आ रही है। ऐसे अभी कुछ दिन पहले टमाटर आ रहे थे, अदरक आ रहा था। तो टमाटर तो ये है कि पड़ते हैं तो वो ठीक ठाक से ले आते थे, पर ज़्यादा दिन चलते नहीं थे। और अभी भी बस आधे किलो टमाटर लेकर के आए हैं ना, वही मंगाए हैं। बाकी का अदरक मेरा दो बार आ गया, दोनों बार मैंने फेंका है। ऊपर से तो ऐसा लगेगा अदरक जैसे कितना ठीक है, कितना साफ़ सुथरा है, और जैसे मैंने वो अंदर से तोड़ के देखा ना, बस पूछो मत, इतनी बुरी हालत हो रही थी, बहुत बहुत बुरी, मतलब बहुत जैसे ऐसा लग रहा जैसे अंदर से सड़ गया है अदरक। तो इस वजह से है ना मेरा दिमाग घूम गया अदरक देखने के बाद में। उस दिन से तो हमारे इतनी गंदी मुझे स्मेल चढ़ी ना अदरक की, अदरक तो मैं, अदरक की चाय तो मैं पी ही नहीं सकती अब कुछ टाइम के लिए, तो नहीं पी सकती है। चाय तो वैसे भी अभी मैंने बंद ही कर रखी है, मुझे, मेरा मन नहीं करता पीने के लिए। हाँ कभी कभी अगर बनाती हूँ, वैसे बनाती तो हूँ नहीं, नहीं वैसे मैंने चाय का मसाला बना रखा है, वही डालती हूँ मैं। और वैसे मैंने ना आज अदरक मंगाई है थोड़ी सी, मैंने बोल दिया था, मैंने भैया को बोलना अगर अदरक ठीक ठाक है तो लेकर आना, नहीं तो मत लेकर आना। तो मैंने ना सब्जी वगैरह काट करके रख दी है फ्रिज में, ये भिंडी काट करके रख दी है, जैसे कि बताती हूँ सुबह के लिए मेरा टाइम ना थोड़ा बच जाता है इसमें। और इसमें आइसक्रीम है, चलिए तो भाई हम अपनी आइसक्रीम खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए आइसक्रीम। पर इसकी चम्मच कहाँ है? अच्छा सभी ने खा ली है अपनी अपनी आइसक्रीम। हम और पतिदेव रह गए हैं, पतिदेव गए हैं अपना ऑफिस का काम करने के लिए कंप्यूटर पर, मकान पर। और मैंने ये पैरों में लगाया है एलोवेरा जेल, सोच रही हूँ एक बार और लगाऊंगी अभी इसे, ना रखती हूँ इसे भी रखा रहने दी। छोटा नवरत्न मंगाया, ये ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा चलो जब तक छोटे से ही काम चलाते हैं। और हम ना आइसक्रीम खा लेते, गेट है बंद, बच्चे ना थोड़ा चौकी में खेल रहे हैं क्योंकि है ना दिन में नहीं खेल नहीं पाते हैं दिन में, रक्षित तो बिल्कुल नहीं बाहर जा पाता है, तो अब इस टाइम पर ना चौकी में थोड़ी बहुत देर खेलेगा फिर आ जाएगा इस वजह से। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए आइसक्रीम। गर्मी बहुत हो रही है, पिघल रही है, इतनी जल्दी पिघल जाती है, फ्रिज में फ्रीजर में रख रखे हैं फिर भी। मुझे ना नींद आ रही है, देखो दिन में नहीं लेट पाती हूँ ना, तो मुझे ना नींद आ रही है, पाउडर लग, नींद आ रही है आँखों में ना चपकी सी लग रही है मुझे, नींद आ रही है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं एंड कर देते हैं, कल मिलते हैं अच्छे से सुंदर से ब्लॉग के साथ, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप सुंदर से ब्लॉग के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।